मैं 25 साल से काम करती हूँ मैं यहाँ। मैं जब 4-5 साल की थी तब मैं भाभी जी पास में आ गई। उस टाइम में खेलते खेलते मैं बड़ी हो गई। 2002 में मैं बेंगलोर आया काम करने के लिए। रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। मैं बिहार से हूँ। मैं इधर साहब के पास 5 साल से काम कर रहा हूँ। इधर मैं पहले कोलकाता में था, टैक्सी चला रहा था। उधर परेशानी बहुत हो रहा था। मेरे 3 बच्चे हैं। जैसे छुट्टी में घर में जाता हूँ तो ऐसे कुछ नहीं करता हूँ, मैं यही बच्चे के साथ रहता हूँ। और मैं काफ़ी अच्छी लगती हूँ। मुझे कभी याद नहीं आया मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि कभी लगा ही नहीं कि मैं अलग हूँ। मैं अब जिस टाइम जैसे कि नोट बंद हो गया था मेरे गांव में, घर में बहुत प्रॉब्लम हुआ। उस टाइम पैसा नहीं था। अब जैसे बैंक में जाना है तो बैंक में जल्दी चेंज नहीं होता है। साहब ने बोला कि अकाउंट करा लो, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे कुछ आईडी प्रूफ नहीं था। मेरा इधर साहब के पास आने से मैं अपना इधर का आईडी प्रूफ बनाया। साहब ने सिग्नेचर डाल के अकाउंट ओपन करवा दिया। फिर मैडम ने मुझे बैंक अकाउंट चालू कर दिया। अभी बहुत आसान है। मेरा ATM घर में, मैं इधर पैसा डालता हूँ, उधर निकालता पैसा। मुझे सिखाया कि कैसे पैसा कैसे सेविंग किया जाता है। फिर मेरे किसान पत्र में हर 6 महीने से पैसा जमा होता है। मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे कार्ड मेरे पास है। पहले बहुत टेंशन होता था, कब पैसा भेजना, किसका पास भेजना, किसी के हाथ में भेजना, दूसरा के अकाउंट में भेजना। अभी अकाउंट जैसे मैडम ने कर दिया है तो आसान है। मेरा सपना एक घर हो, अच्छा सा काम हम करें, बस। सपना तो सबका होता है, एक अच्छा घर हो, परिवार अच्छा से रहो। मेरा भी वही सपना है। टावर बनाती हूँ मैं, उसके लिए मैं बच्चों को सिखाना है मुझे, और एग्जीबिशन लगाना है मुझे, और इसीलिए मैं करना चाहती हूँ मैं, और मुझे यही मेरी ड्रीम है।